नमस्कार दोस्तों, तो आज के जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 6 से जेंट्री वाले दो स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। एक तो आपका 24 तारीख को आने वाला है नॉट सी 4 लाइट, वो इंडिया में प्राइस होगा 18-19 हज़ार के आसपास, उसका मैं रिव्यू डेफिनेटली करने वाला हूँ। दूसरा एक फोन अगले महीने आएगा जिसका नाम है मोटरोला G85, वो भी कहा जा रहा है कि वही 17-18 हज़ार के आसपास इस प्रोसेसर के साथ अवेलेबल होगा। और ऐसा मुझे लग रहा है शायद 2024 या फिर 2025 में बहुत सारे स्मार्टफोन इस पर्टिकुलर प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा। तो इसलिए इस वीडियो में देखेंगे ये जो 17-18 हज़ार के आसपास जो लॉन्च होने वाला है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3, क्या ये प्रोसेसर बेटर है या फिर आज से ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले जो लॉन्च हुआ था इसका जो पिछले वाला जनरेशन जो कि स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, जो कि लिटरली आपको मिल जाएगा 12 से 15 हज़ार के अंदर, वो वाला प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ऑब्वियसली सेम सीरीज के अंदर ही अवेलेबल है। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सबसे कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के रिलीज डेट को लेके। ये जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 ये तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, मतलब Q2 2024 पे लॉन्च हुआ है। उसी जगह भी जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वो आज से 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, मतलब Q3 2024 पे। तो नेक्स्ट अगर दोनों के कोर काउंट के बारे में बात करें, इधर दोनों पे आपको मिलेगा 64 बिट्स ऑक्टाकोर स्ट्रक्चर, 6S Gen 3 में आपको मिलेगा 2+6 कोर स्ट्रक्चर, मतलब 2 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर और 6 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर आपको मिलेगा। उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 पे आपको मिलेगा 4 परफॉर्मेंस सीरीज का कोर और 4 पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर। मतलब इधर से हमें ये चीज मालूम चल रहा है जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 इसका मेन फोकस है परफॉर्मेंस के ऊपर, लेकिन जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 इसका मेन फोकस है बैटरी सेविंग के ऊपर। तो नेक्स्ट अगर दोनों की CPU आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, वैसे मैंने मेरे हर एक प्रोसेसर कंपैरिजन वीडियो में आपको यही चीज कहा है कि जब हम ऐसे दोनों सीपीयू के अंदर कंपैरिजन करेंगे तो उस टाइम पे जिस प्रोसेसर के जो नैनोमीटर नंबर दूसरे के मुकाबले कम या फिर ज्यादा होगा तो उस प्रोसेसर का पावर मैनेजमेंट और जो हीट मैनेजमेंट दूसरे के मुकाबले कम या फिर ज्यादा होगा। तो अब देख सकते हैं कि इस मामले में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 बना है 4 nm पे, स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 बना है 6 nm पे, जिसका मतलब नो डाउट बैटरी सेविंग के मामले में स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 होगा बेटर। और इधर दोनों के अंदर एक और डिफरेंस है कि जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वो बना है सैमसंग के आर्किटेक्चर पे और जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 ये बना है TSMC के आर्किटेक्चर पे। मतलब जो भी कहे CPU आर्किटेक्चर के मामले में जो पुराना वाला स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वो इधर है डेफिनेटली बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के कोर टाइप के बारे में बात करें तो ये जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 इसमें आपको मिलेगा 2 परफॉर्मेंस सीरीज का Cortex-A78 कोर जिसका स्पीड है 2.3 GHz और उसके साथ 6 पावर एफिशिएंसी सीरीज का Cortex-A55 कोर इसका स्पीड है 1.8 GHz। उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 पे आपको मिलेगा 4 परफॉर्मेंस सीरीज का Cortex-A78 कोर जिसका स्पीड है 2.2 GHz और उसके साथ 4 पावर एफिशिएंसी सीरीज का Cortex-A55 कोर इसका स्पीड है 1.8 GHz। मतलब इधर एक चीज देखिए, दोनों का जो परफॉर्मेंस सीरीज का कोर या फिर जो पावर एफिशिएंसी सीरीज का कोर इस मामले में स्पीड एग्जैक्टली सेम, जो कोर का जो क्वालिटी वो भी एग्जैक्टली सेम, बस डिफरेंस आपको मिलेगा नंबर पे। तो मतलब इधर में ये चीज कह सकते हैं कि इस दोनों प्रोसेसर के अंदर अगर आपको सबसे मैक्सिमम CPU परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 होगा बेटर, लेकिन अगर आपको बैटरी सेविंग ज्यादा चाहिए तो आप लोगों के लिए स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 होगा बेटर। तो नेक्स्ट अगर उनके रैम सपोर्ट के बारे में बात करें, ये जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 इसमें आपको मिलेगा डुअल चैनल LPDDR4X तक का रैम का सपोर्ट जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2133 MHz और इसका मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ है 17.1 GBPS। लेकिन उससे अगर जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 इसमें आपको मिलेगा डुअल चैनल LPDDR5 तक का रैम का सपोर्ट जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 2750 MHz और इसका मैक्सिमम मेमोरी बैंडविड्थ है 22 GBPS। तो मतलब बेटर क्वालिटी रैम सपोर्ट के मामले में जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वो इधर है डेफिनेटली बेटर। तो नेक्स्ट अगर दोनों के मेमोरी सपोर्ट के बारे में बात करें, ये जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 इसमें आपको मिलेगा eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 2.2 तक का ऑप्शन। उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 पे आपको मिलेगा eMMC 5.1 से लेके मैक्सिमम UFS 3.1 तक का ऑप्शन। तो मतलब बेटर क्वालिटी मेमोरी सपोर्ट के मामले में जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वो इधर है डेफिनेटली बेटर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के वीडियो कैप्चर के बारे में, तो इधर दोनों पे आपको मिलेगा Triple 12-bit ISP का ऑप्शन। ये जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 इसमें आपको मिलेगा सिंगल कैमरे में 108 MP, डुअल कैमरे में 25 और 13 MP और ट्रिपल कैमरे में 13 MP तक का कैमरा का ऑप्शन। लेकिन उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 इसमें आपको मिलेगा सिंगल कैमरे में 200 MP,
डुअल कैमरे में 25 और 16 मेगापिक्सल और ट्रिपल कैमरे में 13 मेगापिक्सल तक का कैमरे का ऑप्शन। तो मतलब ज्यादा मेगापिक्सल सपोर्ट के मामले में जो स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 वो इधर स्लाइटली ज्यादा बेटर। तो नेक्स्ट अगर हम वीडियो कैप्चर के बारे में बात करें, ये जो स्नैपड्रैगन 6 है जेन 3, इसमें आपको कोई भी 4K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा फुल HD वीडियो 60fps और 720p स्लो मोशन वीडियो 120fps पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 6 जेन 1, इसमें आपको 4K वीडियो 30fps, फुल HD वीडियो 60fps और 720p स्लो मोशन वीडियो 240fps पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो मतलब इधर वीडियो कैप्चर कैपेबिलिटी के मामले में स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 है डेफिनेटली बेटर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में। तो ये जो स्नैपड्रैगन 6 है जेन 3, इसमें आपको मिलेगा फुल HD और HD दोनों क्वालिटी का डिस्प्ले 120Hz तक का सपोर्ट। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 6 जेन 1, इसमें आपको मिलेगा मैक्सिमम फुल HD प्लस तक का डिस्प्ले का सपोर्ट जिसका रिफ्रेश रेट है 120Hz। लेकिन मेन डिफरेंस आपको मिलेगा वीडियो प्लेबैक में, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 6 है जेन 3, इसका मैक्सिमम वीडियो प्लेबैक क्वालिटी है फुल HD तक का। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 6 जेन 1, इसका मैक्सिमम वीडियो प्लेबैक क्वालिटी है 4K तक का। तो मतलब इधर डिस्प्ले सपोर्ट के मामले में स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 है डेफिनेटली बेटर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के नेटवर्क सपोर्ट के बारे में। तो जो स्नैपड्रैगन 6 एस जेन 3, इसमें आपको मिलेगा X51 5G मॉडेम। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 6 जेन 1, इसमें आपको मिलेगा और भी मॉडर्न क्वालिटी का X62 5G मॉडेम। स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 इसका 5G में डाउनलोड स्पीड है 2.5 Gbps, उसके साथ 5G में अपलोड स्पीड है 1.5 Gbps। लेकिन जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, इसका 5G में डाउनलोड स्पीड है 2.9 Gbps, लेकिन उसके साथ 5G में अपलोड स्पीड कितना कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। इसके अलावा दोनों पे आपको मिलेगा 6GHz 5G, MMI 5G, ब्लूटूथ 5.2, नेविक का सपोर्ट। स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 में आपको मिलेगा Wi-Fi 5 का ऑप्शन। उसी जगह पे स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 पे आपको मिलेगा वाईफाई 6E का ऑप्शन। स्नैपड्रैगन 6S जेन 3 में जहां पर आपको मिलेगा डुअल बैंड वाईफाई का ऑप्शन, उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 6 जेन 1, इसमें आपको मिलेगा ट्राई बैंड वाईफाई का ऑप्शन। तो मतलब इधर हम ये चीज कह सकते हैं, अगर आपको दोनों के अंदर सबसे बेटर क्वालिटी नेटवर्क सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए पुराने वाला जो स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 वो इधर डेफिनेटली बेटर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब GPU सेक्शन के बारे में। तो ये जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3, इसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 619 वाला GPU जो कि रन कर रहा है 840 MHz स्पीड पे। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1, इसमें आपको मिलेगा एड्रीनो 710 वाला GPU जो कि किस मेगाच पे रन कर रहा है कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं। अब यहाँ पर देखिए मॉडल नंबर देखिए कोई समझ में आ गया होगा, जो पुराने वाला स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वो इधर डेफिनेटली बेटर कम्पेयर टू नया वाला स्नैपड्रैगन 6S Gen 3। तो अगर हम दोनों के GPU स्कोर की बारे में बात करें, वैसे मैंने इधर दोनों साइड में जो Antutu वर्जन 10 में GPU सेक्शन उधर से मैंने स्कोर लिया है। तो जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 काजरी किसका Antutu GPU में स्कोर होगा 90,000 के आसपास। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 इसका Antutu GPU में स्कोर है 100,000 से थोड़ा सा ज्यादा। तो मतलब GPU के मामले में नो डाउट स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है बेटर। तो अगर हम दोनों के Antutu स्कोर की बारे में बात करें, ये जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 इसका Antutu वर्जन 10 में स्कोर होगा 440,000 से थोड़ा सा ज्यादा। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 इसका Antutu वर्जन 10 में स्कोर होगा 594,000 से थोड़ा सा ज्यादा। तो मतलब Antutu स्कोर के मामले में नो डाउट स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 है बेटर। और इसके बाद फाइनली अगर दोनों की Geekbench स्कोर की बारे में बात करें, वैसे मैंने इधर दोनों साइड में जो वर्जन 6 उसका स्कोर मैंने लिया है। तो जो स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 इसका सिंगल कोर में स्कोर है 939, मल्टी कोर में स्कोर है 2092। उसी जगह पे जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 इसका सिंगल कोर में स्कोर है 940 और मल्टी कोर में स्कोर है 2767। मतलब देखिए साथी कि सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों ही मामले में जो स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 वो नए वाले स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 से मुकाबले काफी बेटर है। तो अब इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो इस दोनों प्रोसेसर के अंदर एक्चुअली किस किस मामले में कौन सा प्रोसेसर बेटर है, ये नेक्स्ट चार्ट देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे भी इस फाइनल चार्ट में देख सकते हैं, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट में स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 के साथ जाएंगे तो आपको लिटरली कोई भी हार्डवेयर लेवल एडवांटेज नहीं मिलेगा कंपेयर टू पुराना वाला स्नैपड्रैगन 6 Gen 1। लेकिन उसी जगह पे अगर आप स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 के साथ जाएंगे उसमें आपको मिलेगा बेटर क्वालिटी आर्किटेक्चर, ज्यादा परफॉर्मेंस सीरीज का कोर, फास्टर रैम सपोर्ट, फास्टर रोम सपोर्ट, बेटर क्वालिटी कैमरा सपोर्ट, बेटर वीडियोग्राफी प्लेबैक मतलब वीडियो क्वालिटी प्लेबैक, बेटर नेटवर्क सपोर्ट और साथ में बेटर क्वालिटी का GPU। तो मतलब देखिए जैसे आपको ये चीज समझ में आएगा होगा, कभी भी आज के दिन में प्रोसेसर के नाम के ऊपर यकीन मत करना,
नाम से आपको लग रहा है कि स्नैपड्रैगन 6s Gen थी, मतलब स्नैपड्रैगन 6 Gen उनका अपग्रेड वर्षन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 जो स्नैपड्रैगन 695 लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल से आज से 3 साल पहले, उसका एक एनहांस्ड एडिशन है, मतलब बोल सकते कि ऑलमोस्ट सेम एडिशन है, फिर से नया करके लॉन्च कर दिया अगले 2 साल के लिए। मतलब लिटरली हम अभी 2.5 से 3 साल पुराने प्रोसेसर इस्तेमाल करेंगे 20,000 रुपए के प्राइस पॉइंट में। और ये सिर्फ क्वालकॉम नहीं कर रहा, मीडियाटेक भी सेम चीज कर रहा है। मैंने पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था डायमेंसिटी 7300 के ऊपर, नाम से लग रहा है डायमेंसिटी 7300 मतलब ऑब्वियसली 7200 का अपडेट वर्जन होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 7300 एक्चुअली 7200 का डाउनग्रेड वर्जन है, लेकिन जो 7050 उसका अपग्रेड वर्जन है। इसलिए मैं ये चीज हमेशा कहता हूँ, आज के दिन में प्रोसेसर के नाम के ऊपर कभी भी यकीन मत करना, ऐसा बहुत ज्यादा चांस है उसका ही जो लास्ट जनरेशन लॉन्च हुआ था उसके मुकाबले भी थोड़ा सा डाउनग्रेडेड वर्जन है। तो अभी आप मुझे कमेंट जरूर बताएं कि अब इसके बाद स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 के साथ कौन से प्रोसेसर का कंपैरिजन देखना चाहेंगे, वो मैं डेफिनेटली बना दूंगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।